आज के सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज पूरे देश की निगाहें संसद पर लगी होगी और टिकी रहेंगी, क्योंकि जहां लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बजट में मोदी सरकार छोटे किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है और किसानों के साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छी खबर आ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी कम करने के साथ कारोबारियों के लिए भी राहत की खबर आ सकती है। कुल मिलाकर इस बजट के जरिए मोदी सरकार 130 करोड़ लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद यह 10वां मौका है जब केंद्रीय बजट आ रहा है। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए यह चौथा मौका है जब वो बजट पेश करेंगी। पिछले सालों के मुकाबले इस बार चुनौती सबसे ज्यादा है। चुनावी मौसम में जहां रोजगार के फ्रंट पर सरकार को जूझना है, वहीं महंगाई भी आम आदमी को परेशान कर रही है। कारोबारियों से लेकर छोटे व्यापारी तक अलग उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज मोदी सरकार के कार्यकाल का 10वां बजट आ रहा है। निर्मला सीतारमण चौथी बार देश का बजट पेश करने वाली हैं। कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक, नौकरी पेशा से प्रोफेशनल्स तक, हर शख्स की निगाहें मोदी सरकार के आज के बजट पर लगी हैं। ये चुनावी मौसम में उम्मीदों का बजट है। महामारी के कोलाहल के बीच आशा के संचार की उम्मीदें जगाते बजट का इंतजार है। आज आने वाला बजट कैसा होगा, किसके लिए खोलेगा निर्मला सीतारमण का पिटारा, किसे कितनी राहत मिलेगी, कहां से कसेगा अर्थव्यवस्था का शिकंजा, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज 11 बजे से मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके संकेत एक दिन पहले ही मिल गए हैं। सबसे बड़ा संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि बजट 130 करोड़ की उम्मीदों को पूरा करने का मौका है, खासतौर पर तब जब सरकार के सामने 5 राज्यों के वोटर्स को नाराज नहीं करने की चुनौती है और साथ ही इकोनॉमिक स्पीड बढ़ाने की डिमांड भी है। एक नजर उन उम्मीदों पर जो देश के नागरिक आज के बजट से लगाए बैठे हैं। महंगाई कम करने के उपाय कैसे करेगी सरकार, किसानों की इनकम डबल करने का फॉर्मूला क्या है, रोजगार के मौके कैसे पैदा होंगे, टैक्स स्लैब में क्या क्या बदलाव होंगे, कारोबारियों को कैसे मिलेगा बजट का फायदा। जो आर्थिक गति है विकास दर में, उसी के साथ साथ कुछ हद तक नौकरियां वापस आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इस समस्या का समाधान हो गया है, क्योंकि पहले कोविड हो या ना हो, हमारे यहाँ हमेशा नौकरियों की कमी की एक समस्या रही है। ये सरकार वो सरकार से मत लीजिए, ये दशकों से ये समस्या है। तो अंत में इसका एक ही समस्या है कि हम लोग विकास दर को बढ़ा के रखें। मैं जॉबलेस ग्रोथ में विश्वास करने वाला आदमी नहीं हूं। अंत में जब तक विकास दर ऊंचे स्तर पे सालों तक चले नहीं चले, तब तक आप किसी भी तरीके से जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते। तो अंत में हम लोगों को विकास दर को चला के रखना पड़ेगा। जीडीपी ग्रोथ जब नहीं हो रहा है तो आप जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते। किसको क्या मिलेगा, इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे के जरिए अर्थव्यवस्था का पूरा ब्लूप्रिंट दिखा दिया गया है। ये ब्लूप्रिंट बताता है कि सर्वे में इस साल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 9% से ज्यादा रहने की उम्मीद है। अगले साल जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक अर्थव्यवस्था कोरोना से रिकवर हो चुकी है। भारत जल्द ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ रेट कोरोना से पहले के लेवल पर है। सरकार की कमाई बढ़ी है, कुल मिलाकर इकोनॉमी रिकवरी मोड में है।
वैक्सीनेशन का जो हम लोगों ने सफलता किया है इसका बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि अब मोटा मोटा सभी लोगों को वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब कुछ 15 से 18 साल वालों का भी हो रहा है, कभी कुछ लोगों का तीसरा बूस्टर भी लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वैक्सीनेशन का जो दौर जो जो प्रक्रिया रही है वो सफल रही है, और इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल से अगले वित्तीय वर्ष में अगर कोविड का लहर आए भी तो उसका जो असर पड़ेगा बहुत ही कम होगा। सरकार का बजट तैयार हो चुका है, सुबह 11 बजे देश के सामने आ भी जाएगा, लेकिन उम्मीदों का सागर अथाह है। हर शख्स कुछ न कुछ पाने की उम्मीदें लगाए बैठा है। उम्मीद नहीं, विश्वास है कि ये राहत वाला बजट होगा। सभी को इससे उम्मीद है और कुछ ना कुछ राहत हमारे मोदी जी और योगी जी लेकर के आएंगे। कंसेशंस, रिबेट्स और जितने भी डिडक्शंस होते हैं वो सारे सैलरी क्लास के लिए और इंक्रीज हो। कोरोना में जो हमारा सबका लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के अंदर सब कुछ, किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ नौकरियां गई है, मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए बजट का शुरुआत करनी चाहिए। कोरोना महामारी ने लगातार दूसरे साल हर शख्स को प्रभावित किया। सरकार ने चैलेंज लिया और वैक्सीन के जरिए कामयाबी भी हासिल की, और अब इसी महामारी में नए अवसर तलाशने का मौका भी आ गया है। विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। प्रधानमंत्री का मैसेज क्लियर है, और अब निर्मला सीतारमण को भी पीएम के इस मैसेज को बजट में उतारना है। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश करेगी, और इससे पूरे देश को बड़ी उम्मीदें हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि टैक्सपेयर के लिए 80 सी डिडक्शन को और बढ़ाया जा सकता है। अभी ये छूट 1.5 लाख रुपए तक है। क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने का ऐलान हो सकता है। शेयर कारोबारियों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है, और कॉरपोरेट घरानों को कोविड महामारी में मदद के लिए डिस्काउंट मिल सकता है। MSME को और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि MSME इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। एक MSME में कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करती भी है तो सही जगह नहीं पहुंचती है। बहुत से इंटरप्रेन्योर्स है वो इधर उधर कर देते हैं। थर्ड में कहूँगा, देयर शुड बी रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स। उसमें क्या होगा, थोड़ा बिजनेस सेंटीमेंट अच्छा बनेगा, और लोगों की जिसको टैक्स कम देना पड़ता है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। और लास्ट में बोलूँगा, अभी जो टेक्सटाइल में GST लगाया और उनको डिफर किया है, मैं उसको डिफर नहीं करेंगे, मैं उसको गवर्नमेंट को विड्रॉ करना चाहिए। टैक्स पेयर्स के साथ साथ इंडस्ट्री भी बूस्टर के इंतजार में है। इकोनॉमी के कुछ सेक्टर उबर चुके हैं और कुछ को सहारे की जरूरत है, इसलिए उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कस्टम ड्यूटी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। देश में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों के लिए स्पेशल छूट का ऐलान संभव है। चमड़ा उद्योग और कई दूसरे सेक्टर को PLI स्कीम मिल सकती है, जिसमें स्वदेशी प्रोडक्शन के लिए सरकारी मदद मिलेगी। कस्टम ड्यूटी में छूट के 400 मामलों को रिव्यू किया जा रहा है। फाइनल लिस्ट का बजट में ऐलान होगा। कस्टम ड्यूटी में छूट सहित सभी मामलों के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। टैक्सपेयर से लेकर इंडस्ट्री तक ये सारी योजनाएं एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम से कोरोना की तीसरी लहर को कमजोर किया। अब प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर चुके हैं। कोरोना काल के अंधेरे के बावजूद उम्मीद अभी बाकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बजट का सबसे बड़ा फोकस अलग अलग सेक्टर में नौकरियां बढ़ाने पर होगा।
मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास को स्पेशल राहत मिल सकती है। महंगाई को रोकने के लिए सरकार बड़े स्टेप्स ले सकती है और सरकार का टारगेट भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है। इकोनॉमिक सर्वे ने तो बाजार को बम बम कर दिया। अब इंतजार कीजिए 11 बजने का, जब आपकी उम्मीदें धरातल पर सच्चाई से रूबरू होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।